हेलो बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आज हम जानेंगे कि प्रयोगशाला में हम प्रोटीन का टेस्ट कैसे करते हैं। टेस्ट करने से पहले हम जानते हैं प्रोटीन क्या होती है। तो बच्चों, प्रोटीन ऐसे सब्सटेंस होते हैं या ऐसे न्यूट्रिएंट होते हैं जो हमारे बॉडी के ग्रोथ और रिपेयर के लिए रिस्पांसिबल होते हैं। मींस प्रोटीन आर द नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। फूड कंटेनिंग प्रोटीन आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। मीन्स आप कह सकते हैं कि ऐसे फूड जो प्रोटीन को रखते हैं उन्हें हम बॉडी बिल्डिंग फूड का नाम देते हैं या कहते। बच्चों, अब हम देखते हैं कि प्रोटीन का टेस्ट करने के लिए हमें बेसिक नीड की क्या क्या आवश्यकता होती है। तो इसमें देखिए, आपको फूड सैंपल की आवश्यकता होगी, ड्रॉपर की आवश्यकता होगी, टेस्ट ट्यूब की आवश्यकता होगी, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की आवश्यकता होगी और आपको कास्टिक सोडा मींस NaOH सॉल्यूशन की आवश्यकता होगी। अब हम बच्चों देखते हैं एक्सपेरिमेंट हम कैसे करते हैं। तो फर्स्टली देखिए, यहाँ पे लिखा गया टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम टू बी टेस्टेड, यानी जिस फूड को हमें टेस्ट करना होता है उसका हम जो है थोड़ा सा अमाउंट लेते हैं। उसके बाद दूसरा देखिए क्या करते हैं, ग्राइंड करते हैं, उसको हम पीसते हैं या उसका हम पेस्ट बना लेते हैं। थर्ड देखिए, पुट द फूड आइटम इनटू ए टेस्ट ट्यूब, उसके बाद हम जो है अपने फूड आइटम को टेस्ट ट्यूब में रखते हैं। फोर्थ क्या करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, 10 ड्रॉप मीन्स 10 बूंद वाटर का जो है हम टेस्ट ट्यूब में डालते हैं। डालने के बाद उसको शेक करते हैं, शेकिंग का मतलब हिलाना, हिलाते हैं और हम उसका जो है एक मिक्सचर बना लेते हैं। उसके बाद देखिए क्या करते हैं, यूजिंग ए ड्रॉपर ऐड 2 ड्रॉप ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टू द टेस्ट ट्यूब, उसके बाद हम ड्रॉपर की सहायता से 2 बूंद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ऐड करते हैं। उसके बाद फिर क्या करते हैं, फिर 6th स्टेप में देखते हैं, ऐड 10 ड्रॉप ऑफ कास्टिक सोडा सॉल्यूशन एंड द शेक द टेस्ट ट्यूब, उसके बाद हम 10 बूंद जो है कास्टिक सोडा सॉल्यूशन को भी टेस्ट ट्यूब में मीन्स उस मिक्सचर में ऐड करते हैं और उसके बाद हिलाते हैं। उसके बाद उसको हम कुछ देर के लिए रख देते हैं। अब उसके बाद हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो ऑब्जर्वेशन में हमें क्या मिलता है कि कुछ समय के बाद हम मिक्सर के कलर को देखते हैं और हमारा जो मिक्सर होता है उसका कलर जो है वायलेट कलर का हो जाता है, मीन्स बैगनी कलर का हो जाता है। रिजल्ट देखिए, ये जो हमारा मिक्सर का वायलेट कलर इंडिकेट करता है कि प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द टेस्टेड फूड आइटम, मींस जो हमारा ऑब्जर्वेशन में मिक्सर का वायलेट कलर आ जाता है यह इंडिकेट करता है कि जो हमने फूड आइटम लिया था उसमें प्रोटीन की उपस्थिति है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।